आज है श्रावण मास का आखिरी सोमवार। हेलो दोस्तों, जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो देखिए, अभी ध्रुवंश बाहर खेलने गया है और महेंद्र चाय पीने आए हैं। तो महेंद्र यहाँ पे ओरा खा रहे हैं जो हम चाचा की वाड़ी से लाए थे। तो ओरा और गुड़ खा रहे हैं क्योंकि गुड़ के साथ अच्छा लगता है। चलिए खाने। और इसको मजे है क्योंकि गांव में ही जॉब है तो वो कभी भी आ सकते हैं। और आज है श्रावण मास का आखिरी सोमवार। कल जो सुबह महादेव जी के मंदिर फास्ट है, हम वैसे तो हमारा पूरा श्रावण मास फास्ट है। तो आज मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी अभी शाम को। सुबह नहीं गई थी क्योंकि मुझे इतनी सर्दी अभी भी है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि हालत बहुत सुबह तो ख़राब थी। सिर में दर्द है और नाक में बह रहा है ऐसे ही। और ध्रुवंश बाहर खेल रहा है और थोड़ी देर मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने स्टार्टअप कर दिया और बाहर मोटर चल रही, टंकी भर रही। और मैं अभी फिलहाल ओरा खाऊंगी और शिव जी के मंदिर भी जाना है, लेकिन अभी थोड़ी देर है जाने में। थोड़ी देर होगा तो टेरेस पर जाऊंगी क्योंकि कब से नहीं गई हूँ टेरेस पर मैं, तो थोड़ी देर वहाँ भी जाऊँगी। और आज डिनर में तो क्या ओरा बनाएंगे, बैंगन का भरता और बाजरे की सब्जी, रोटी या कुछ बनाएंगे, देखते हैं आगे। तो देखिए, थोड़ी देर टेरेस पर गई थी लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, अकेली अकेली बोर हो रही थी। और ध्रुवील खेल के आया है, कुछ बोल रहा है वहाँ पे। और ध्रुवंश भी शायद आ गया है, तो अभी हम मंदिर पे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 6:15 बज चुके हैं, 6:30 बजे जाएंगे। तो देखो वहाँ पे भाई क्या देखो, ध्रुवील यहाँ पे कुछ कह रहा है। क्या करना है, क्या करना है वो बोतल लेके तुझे? क्या करोगे शैम्पू की बोतल लेके? गड्ढा बनाना है, गड्ढा बनाना है, गड्ढा ऐसे बॉडी नहीं बनती, इसके लिए तो जोरदार खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। कहीं भी चढ़ जाता है ऐसे, देखिए देखो उतर भी जाता है ऐसे ही। अब पानी भरेगा, शैम्पू उपा के ध्रुवंश वहां पे खेल रहा है बहुत आगे, और ध्रुवील उसके पीछे फिर से जा रहा है। देखिए चला गया, तो चलिए अभी 6:30 बजेगे तो मंदिर जाएंगे। और बैंगन भी सेकना है तो सेक लूँगी। तो चलिए हम मंदिर पे जा रहे हैं और आपको भी ले जा रहे हैं। लोक लगा के जाऊंगी। तो देखिए हम शिव जी के मंदिर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आए तो लाइट चली गई थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो दिए की ज्योत थी उससे आपको शिव जी के दर्शन करवाने की कोशिश कर ली है, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा।
देखिए आज सोमवार था, श्रावण मास का, तो यहाँ पे दीप जलाए हैं, 108 दीप जलाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा हर सोमवार को होता है, और रात को सत्संग भी था, लेकिन मुझे बहुत सिर में दर्द था तो मैं पहुँच नहीं पाई थी। तो इस तरह से दीप जला के ओम है, और मंदिर का जैसा आकार है, और इसमें 108 दीप मालाएं जल रही है, जिसे दीप माला बोलते हैं, तो वो भी जलाया हुआ था। और फिर हम लोग आरती करके ही आए थे, क्योंकि आरती का भी टाइम हो चुका था, तो हम सब आरती करके फिर घर आए थे, फिर खाना पकाया था। ये है हमारे सुरापुरा, यानी कि हमारे पूर्वज जो महेंद्र के दादाजी लगते थे वो है, तो उसका मंदिर भी वहाँ ही आता है, डेरी बोलते हैं हम जिसे, तो वहाँ भी दीप जलाते आए हैं हम। तो देखिए आरती भी कर ली, अब घर आ चुके हैं, और 7:30 बज चुके हैं, तो फटाफट से मैं खाना पका लेती हूँ, डिनर बना लेती हूँ।
बैंगन का भरता बनाऊंगी और बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खा लेंगे। और फिर आज सत्संग भी है, पॉसिबल होगा तो जाएंगे, जैसा मूड, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, तो कोई पता नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं खाना पका लेती हूँ, वरना खाना पकाने में भी देर हो जाएगी। तो देखिए खाना पीना सब हो चुका है, और हमने आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार था, तो शंकर भगवान के भी दर्शन करवाने की कोशिश की। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पहुँचे तो लाइट चली गई, तो फिर जो दिए थे दीप थी उसकी ज्योत से मैंने जितना हो सका उतना शूट करने की कोशिश की। और जब हम गए वहाँ गए तो आरती भी हो रही थी, तो आरती का भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। तो चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं एक अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।